सब्सक्राइब कीजिए टेक बॉय आदि को और दबाइए इस घंटे को ताकि आप देख पाए मेरे टेक वीडियो सबसे पहले, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। हे गाइस, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं टेक बॉय आदि। तो फाइनली हम वो वीडियो स्टार्ट कर दिए जिसमें हम आपको बताएंगे कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैसे बनाया जाए। तो ये मेरा इस सीरीज का पहला वीडियो है। यहां से आपको सीरीज स्टार्ट होगा कि थंकवेल से या किसी भी साइट से आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं हाई क्वालिटी टाइप। तो हम आपको अर्निंग एप्लीकेशन बनाना बतलाएंगे, यानी कि जो कोई अगर रिडीम लगाता है तो उसका नंबर आपके पास कैसे आएगा, हम तो ये वीडियो में बतलाएंगे। और इसी जब आप ये सीख लेते हैं अगर अर्निंग एप्लीकेशन बनाना, तो उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन आप बहुत इजी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यही बतलाएंगे कि आपको एप्लीकेशन बनाने से पहले क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है और कैसे आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो इसके लिए ये वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं अभी तक, तो हम आपको बोलेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा जिससे आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक तो जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे के आने वाले वीडियो हम आपको और भी बेहतर जो है सो बना सकें और बेहतर जो है सो बता सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम आपको बता दें कि आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए आपके पास पीसी नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम एप्लीकेशन बना सकेंगे, बना पाएंगे और बनाने का हिम्मत रखते हैं, तो आप जो है सो एंड्रॉयड फ़ोन में भी हाई क्वालिटी एप्लीकेशन बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है पीसी हो या नहीं हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। और अगर आप खुद चाहते हैं कि हाँ हम बना पाएंगे, तभी आप बना पाइएगा। और नहीं तो अगर आपके पास पीसी होता है, लैपटॉप होगा भी, और अगर आप चाहिए कि ये हमसे नहीं होगा, तो वो नहीं हो पाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर आपके एंड्रॉयड फोन है और अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, कुछ ऑनलाइन की दुनिया में आना चाहते हैं, तो हम आपको यही बोलेंगे कि आप जो है एंड्रॉयड फोन से ही काम करना स्टार्ट कर दीजिए। हम आपको बता दें कि एंड्रॉयड फोन से जो है आप कर सकते हैं, बहुत इजी से भी कर सकते हैं। तो ये कीजिएगा कैसे, तो पहले बात है ये कि आप जो है सो डायरेक्ट थंकवेल के साइट पे भी जाकर जो है सो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा माउस खरीदना पड़ेगा जो मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए। लेकिन हम आपको बता दें कि आप एक पॉफिन ब्राउज़र होता है जो थंकवेल का, या ब्राउज़र है जिसमें आप जो है सो थंकवेल का जो है सो साइट पे जाकर और वहां से आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो उस ब्राउज़र का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसा पीसी होता है ना, जैसे कि हम आपको जैसे पीसी में बताएंगे, जैसे आपका लैपटॉप में बतलाएंगे कि हाँ ये ऐसा स्क्रीन है, सेम वैसा ही स्क्रीन आपको आपके फोन पे भी दिखेगा। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हाँ तुम पीसी पे बता रहे हो तो उसका सेटिंग्स कुछ अलग होगा, फोन पे हम कर रहे हैं तो उसका सेटिंग्स कुछ अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि पीसी पे यूट्यूब कुछ अलग दिखता है और फोन पे यूट्यूब कुछ अलग दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम पीसी पे देखेंगे वही आपको जो है सो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। तो इसलिए आप एंड्रॉयड फोन पे भी जो है सो आप इजीली एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अब हम आपको बता दें कि इसमें आपको करना क्या होगा, यानी कि एडमोब एडसेंस से अर्निंग करने के लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन से सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन रहना चाहिए, सेकंड में एक जीमेल अकाउंट रहना चाहिए, जिस जीमेल अकाउंट से सब कुछ बनाइएगा उसी जीमेल से आपको एडमोब अकाउंट भी रहना चाहिए, उसी जीमेल से आपको जो सो एडसेंस अकाउंट भी रहना चाहिए, और उसी जीमेल से कोशिश कीजिएगा कि थंकवेल पे भी लॉगिन रहना चाहिए। ऐसे कोई भी जीमेल से आप थंकवेल पे लॉगिन हो सकते हैं, लेकिन एक रहेगा तो क्या रहेगा ना कि सिंपल रहेगा, कोई भी टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ उस जीमेल से ये किए हुए, तो बार बार लॉगिन लॉगआउट का प्रॉब्लम मोबाइल में नहीं रहेगा, एक ही जीमेल से सब रहेगा। तो एक ही जीमेल लॉगिन कीजिएगा और उसी जीमेल से जो है सो सारे काम आप कर पाइएगा। सबसे पहले बात यहाँ पे आता है आपको एडसेंस अकाउंट बनाने का, और क्या बोलते हैं एडमोब अकाउंट बनाने का। तो हम आपको बोलेंगे कि एडसेंस अकाउंट एडमोब अकाउंट लास्ट में भी बना सकते हैं, वैसे अगर आप चाहें तो अभी भी बना सकते हैं, लेकिन अभी कोई बनाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन सीख रहे हैं कि कैसे बनाया जाता है, तो पहले आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन रेडी कर लीजिए, रेडी करने के बाद जो है सो स्टार्ट कीजिए एडसेंस अकाउंट बनाना और उसके बाद एडमोब अकाउंट बनाना, क्योंकि एडसेंस एडमोब का काम जो होता है सो लास्ट में होता है, एप्लीकेशन बनने का लास्ट में। क्योंकि एडमोब में एप्लीकेशन जब बनाते हैं थंकवेल में, तो वहाँ पर हम ऐड तो लगा देते हैं, आई मीन कि ऐड हम वहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पर ऐड शो होगा, कितना ऐड शो होगा, और उसमें ऐड यूनिट भी देना पड़ता है। अगर आपको एडमोब का ऐड यूनिट के बारे में पता नहीं है तो टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको शुरू से लेकर लास्ट से लेकर हम आपको हर एक चीज़ बतलाएंगे जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप एडमोब का अभी चक्कर ही छोड़ दीजिए क्या ऐड यूनिट होता है, अगर नहीं जानते हैं तो अभी छोड़ दीजिए, अभी कोई काम नहीं है। अभी आप फोकस कीजिए कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने का। तो कैसे आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं, सिंपल सा या हो या हाई क्वालिटी हो, वो हम सब आपको बतलाएंगे। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे डिजाइन करते हैं, कैसा जो है सो बनाते हैं।
तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में, ऑनलाइन की दुनिया में ज़रूर आइए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग होता है और बहुत अच्छी अर्निंग हो जाता है। तो इसके लिए हम आपको बता दिए कि एक जीमेल अकाउंट रहना चाहिए, एक एंड्रॉयड फ़ोन रहना चाहिए। पफिन ब्राउजर का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उस पफिन ब्राउजर को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आप उसमें थंकवेल पे जो है सो बार बार आपको थंकवेल के साइट पे नहीं जाना पड़ेगा, क्रोम से या कोई भी चीज़, आप पफिन ब्राउजर में ही जाकर जो है सो उस साइट पे जा सकते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद जो है सो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हम आपको ये बोलेंगे कि आप अभी एडसेंस का चक्कर छोड़ दीजिए, यानी कि अगर आप एडसेंस अकाउंट अभी तक नहीं बनाए हैं तो एडसेंस अकाउंट बनाने का चक्कर अभी छोड़ दीजिए, एडमोब अकाउंट बनाने का भी चक्कर छोड़ दीजिए, क्योंकि पहले आप एप्लीकेशन को रेडी कर लीजिए, बाद में एडमोब बनाइएगा, बाद में एडसेंस बनाइएगा, और बाद में जो है सो उसमें कनेक्ट कीजिएगा एड यूनिट देकर, जो हम आपको सब कुछ बतला देंगे, एडमोब अकाउंट कैसे बनेगा, एडसेंस अकाउंट कैसे बनेगा, वो हम सब कुछ बतला देंगे। फिलहाल इस वीडियो में यही हम आपको यही बतलाना चाह रहे हैं कि आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है सो फ़ोन से भी बना सकते हैं, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पीसी हो या नहीं हो, अगर आप बनाना चाहते हैं तो एंड्रॉयड फ़ोन से भी बनाकर अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा पाएँ और बहुत जल्दी हम आपको समझा पाएँ। वीडियो को प्लीज़ से प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर पहला बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टेक बॉय आदि को, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस सीरीज स्टार्ट कर देंगे, एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैसे बनाया जाता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।